ये वीडियो उनके लिए जो मतलब पागल है, पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर रही है वो लोग को, जैसे कि मैं करने वाला हूँ। तो एनीवेज, जो मतलब 10th स्टैंडर्ड के नीचे है, तो मैं बोल देता हूँ कि पहले अपने 10th क्लियर करो, फिर ये मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करो। और जो मेरे जैसे अभी मैं 12th में हूँ, तो मैं आपको ये वीडियो में ये सब बताऊंगा कि आपको पैसे के अरेंजमेंट कैसे करने हैं। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब पहले ही भाई 10th पास हो गए और फॉरेन घूमने चले हैं। तो वैसा अगर आपके पास परमिशन है मम्मी पापा की, या फिर आपके पास पैसा है, तब आप जा सकते हैं। पर ऑलमोस्ट जो इंडियंस रहते हैं वो बजट ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि सब मतलब ऑलमोस्ट वो मिडिल क्लास रहते हैं। सॉरी, मेरा गला बैठा है। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर मीट विद अमेजिंग वीडियो। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी कॉलेज भी कैसे करनी है, ट्यूशंस भी कैसे कंप्लीट करने, और फिर उसके बाद अपना वर्कआउट, फिर आप कुछ संडे होगा, मतलब आपको हर संडे घूमने जाना होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं है तो भाई फिर 12th के बाद जाओ। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 12th के बाद जाओ या अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करो और फिर जाओ। एनीवेज, हाँ, जिनके पास परमिशन है जो घूमना चाहते हैं आफ्टर 10th, तो मैं उनको बता दूँ कि यार ये मक्खियाँ भी क्या कर रही है यार। हाँ, उनको मैं बता दूँ कि आप जैसे आपको मम्मी खाने के लिए कुछ पैसा देते, जैसे जंक फूड कि आप मम्मी से मांगते हो ना, मम्मी मुझे समोसा चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, तो मम्मी आपको कुछ पैसे देती। नहीं तो कुछ बच्चे लोग ये रहते हैं, मम्मी मुझे कुरकुरे बहुत पसंद है, मम्मी मुझे ये बहुत पसंद है, तो वो पैसे ना खाकर आप उसे पहले जमा कीजिए। फिर जमा करने के बाद आपको अगर एक हफ्ते में उतने, समझो आप या मुंबई के अंदर घूमने वाले, तो मैं बोलता हूँ मुंबई के अंदर आप रहते हो और मुंबई में ही घूमने वाले हो, तो आपको मैक्सिमम 200 to 300 रुपीज़ की ज़रूरत रहेगी। फिर आप मतलब एक दिन में पूरा मुंबई नहीं कवर करना है आपको, थोड़ा 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 करना है। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके कुछ 7 डेज़ में अगर समझ भी लो 100 रुपये कम्प्लीट हो गए, 100-150 कम्प्लीट हो गए, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैसा मम्मी से मांगना है, नहीं तो नानी से कि बोलना है प्लीज़ मम्मी मुझे इधर जाना है उधर जाना है। और एक बात सुन लो, अपने घर वाले के परमिशन के सिवाय किधर जाना भाई। अगर घर वाले बोल रहे कि हाँ बाबा जा, तू जाके आ घूम के आ, तभी जाना है। ओके, हाँ, तो अगर आपकी परमिशन है, मम्मी पापा की परमिशन है, तो जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप कॉलेज से, समझो आप कॉलेज में ऑटो से जाते हो, आप लेट उठते हो, तो आपको थोड़ा जल्दी उठना है। कॉलेज ट्यूशन करने के बाद आपको, समझो आप कॉलेज गए 7 बजे और आए 1 बजे, समझ लो, और फिर 1 बजे या 2 बजे से गए ट्यूशन और फिर आए 6 बजे, 6:30 से 7 बजे, तो आपको क्या करना है, 7 to 7:30 तक, यार ये हवा बहुत आ रही है, हाँ, तो 7 to 7:30 तक आपको मतलब रेस्ट करना है। फिर आपके पास जो अपना वर्कआउट रहता है, जो आप वर्कआउट करते हो, अगर नहीं भी करते हो तो करने लग जाओ भाई, अगर वर्कआउट करते हो तो वो स्टार्ट कर देना है। तो मैं अपना ये जो वीडियो है, मैं हर संडे को एक व्लॉग डालूंगा जिसमें मैं एक्सप्लोर करूंगा छोटी 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 जगह, जैसे कि अभी मैं रहता हूँ मुंबई में, पर अभी तो लॉकडाउन है, तो मैं अभी एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ। मतलब जब कोरोना वायरस मैक्सिमम चला जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि लोकल ट्रेन बहुत गंदी होती है, अगर आप मुंबई में रहने वाले हो तो आपको पता ही रहेगा कि लोकल ट्रेन कैसी होती है। एनीवेज, अब पूरा मतलब पूरा कंट्रोल में आ जाए कोरोना वायरस, तभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगा, तभी हम कहाँ जाएंगे, मैं मुंबई की छोटी छोटी और अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करूँगा, फिर आपको आपके अपना यूट्यूब में वीडियो डालूँगा, फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भाई पानी पीने दो, 1 मिनट, इधर बहुत गर्मी है ना तो पानी पीना पड़ता है। ओके, तो आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जैसे यहाँ जाना है तो उसके लिए कितना पैसा लगता है, ये स्टेशन से वो स्टेशन जाने के लिए कितना पैसा लगता है। लॉकडाउन के बाद शायद रेट बढ़ जाएगा, मुझे तो लगता है रेट बढ़ने वाला है,
एनीवेज बड़ा तो बड़ा, इतना नहीं बढ़ेगा पर 100-150 नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा 15-20, बड़ा तो बड़ा 15-20 ऐसे मुझे लग रहा है, 15-20 ओके। और फिर क्या, सॉरी गाइस क्योंकि मैं टेरेस में हूँ ना तो हवा बहुत आ रही है तो मुझे बीच बीच में स्टॉप करना पड़ता है। हाँ तो वही मैं बता रहा था कि 15-20 रुपये बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, आपको जो जो आप ऑटो से कॉलेज कैसे भी जा रहे हो समझो, अब अगर बस से जा रहे हो तो वो रोक कर मतलब वो पैसा जमा करना है और आपको सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है और फिर जाना है। फिर मैं मैक्सिमम देखता हूँ कि बच्चे लोग पैसे कैंटीन में उड़ाते हैं वो सब करते हैं तो आपको मतलब नहीं करना है, तो ये आप अगर अगर वो सब आप नहीं करोगे तो ये आप संडे को ट्रैवल कर पाओगे। वही मैं बोल रहा था, संडे को घूमो फिरो मज़ा करो ऐश करो पर इतने भी मत करो। हाँ मैं फिर हर संडे को व्लॉग डालूंगा कि ये यहाँ पे घूमो वहाँ पे घूमो, फिर धीरे धीरे समझो अगर मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई मेरा पूरा कवर अप हो गया, मतलब पूरे जो डेस्टिनेशन है। पर मैं बोल रहा हूँ अगर आप मुंबई में समझ लो मरीन ड्राइव जाते हो तो अगर आप मरीन ड्राइव जा रहे हो तो वापस से उधर ही मत जाओ, एक बार अगर आप एक बार घूम चुके हो मरीन ड्राइव मतलब ठीक ठाक से घूम चुके हो तो वापस मत जाओ। हाँ अगर आप मम्मी पापा के साथ जा रहे हो नहीं तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो भी अलग बात है, पर आप अकेले जा रहे हो, आपको ट्रैवलिंग करना है, आपको बहुत जगह मतलब बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी है, तो अगर समझो आप मरीन ड्राइव एक बार गए हो तो बार बार मत जाओ। तो वही पूरा मुंबई अगर आप कवर अप कर लोगे फिर मुंबई से हटकर जाने का, जैसे पुणे हो गया अपना, नासिक हो गया, फिर बहुत सारा जागे फिर बहुत सारे जगह हो गए, वो कैंप फ्रेंडली नहीं हो ना इतना, तो थोड़ा बार स्पीच इधर उधर हो जाता है, गलती से निकल जाता है। तो एनीवेज तो मैं वही बोल रहा था कि फिर मुंबई एक्सप्लोर होने के बाद आप पुणे जाओ नासिक जाओ, ऐसे थोड़े थोड़ा करके बड़ा एक्सप्लोर किया करो। फिर आप बोलोगे वैसा वैसा करके तो हो गया भाई पूरा महाराष्ट्र हो गया समझो, पूरा महाराष्ट्र हो गया आप क्या करें। तो मैं तो बोलता हूँ अगर आप 10th के हो तो पूरा महाराष्ट्र कवर करने को आपको 2 साल तो चला ही जाएगा, तो जैसे आप 12th के हो जाते हो तभी आप 18+ हो जाते हो, तो आपको क्या करना है, एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है अगर पैसा नहीं मिल रहा हो तो, क्या करना है आपको वो पैसे से आप ट्रैवलिंग करोगे, तो ट्रैवल करते करते आप अच्छे अच्छे जगह पे जाओगे जैसे कि लद्दाख हो गया, केरला हो गया, गोवा हो गया, बहुत मतलब इंडिया में भी बहुत सारे डेस्टिनेशन है जो आप मतलब बहुत घूम सकते हो बहुत मज़ा कर सकते हो। तो मतलब इसलिए बता रहा था मैं कि एक ही जगह पे बार बार मत जाओ, अगर आप एक ही जगह पे बार बार जाओगे तो कोई मतलब नहीं बनता, जैसे आपको पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए आप पैसा जमा करो और कुछ अलग जगह पे जाओ मतलब जहाँ पे आप नहीं घूमे हो। तो मैं वही बता रहा था मैं थोड़ी थोड़ी जगह एक्सप्लोर करूँगा आपको ऑल संडे में बताऊँगा कि ये यहाँ जाओ वहाँ जाओ, उनके रेट बताऊँगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊँगा कि उतना ओला कितना रुपए लेता है, उबर कितना लेता है पैसा यहाँ से वहाँ तक, रेलवे कितना ले रही है, ट्रेन कितना ले रहा है, बहुत बहुत सारी बातें बताऊँगा आने वाले टाइम में। एनीवेज पहले लॉकडाउन ओपन हो जाने दो और जो ये जो बाकी के केस है कोरोना वाले वो मैक्सिमम कम हो जाने दो, फिर हम बहुत सारा एक्सप्लोर करेंगे। तो आप भी बोलते हो कि लॉकडाउन में क्या करना चाहिए हम लोग को, तो मैं बोलता हूँ अगर आप 10th के ऊपर हो तो भाई आपको अगर बॉडी चाहिए तो भाई लग जाओ वर्कआउट में। वर्कआउट क्या करो, तो वर्कआउट बोलोगे तो एकदम से ज़्यादा भी वर्कआउट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करना है, फिर अपना जो रूटीन होता है वो बढ़ाना है। समझो आप 10 पुशअप्स मार रहे हो डेली, आपको क्या करना है 15-20 दिनों में वो बढ़ा देना है, मतलब आप जो 10 पुशअप्स मार रहे हो वो 15 कर देना है, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा 15x15x15x ऐसे बढ़ा बढ़ा के आपको टोटल मतलब सेट करना है, अगर सेट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं वही बता रहा था, एनीवेज वो तो बात की बात रही। तो लॉकडाउन में मतलब भाई बैठा हूँ मैं आराम से सोया हूँ वैसा भी मत करो, वर्कआउट स्टार्ट कर दो अगर आपको अच्छे से फिट बॉडी चाहिए रहेगी तो। मैं भी वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है मैंने वर्कआउट स्टार्ट, पर मैंने इतना वेट लूज़ किया है ना
मैं भाई फुल फुल मतलब फुल जाड़ा था। मैंने बहुत सारी मतलब बहुत ही ज़्यादा वेट लूज कर दिया लॉकडाउन में। लॉकडाउन का जो फ़ायदा उठा हुआ मैं तो बोलो बहुत जम के वर्कआउट करो। एनीवेज तो वही बता रहा था मैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम एक्सप्लोर करेंगे और मैं हर संडे को एक मतलब है तो मैं हर एक संडे को व्लॉग डालूंगा कि यहाँ घूमो वहाँ घूमो ये डेस्टिनेशन अच्छा है। तो मैं अगले वीडियो में क्या करने वाला हूँ, कुछ ऐप वो आप ऐप्स के नाम भी नहीं सुने होंगे कभी और आप हैरान हो जाओगे कि भाई ऐसे भी ऐप्स होते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं फिर जल्दी से एक नई वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे फिट, कीप ट्रैवलिंग पर लॉकडाउन के बाद।